सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप जी, मैं आशीष वर्मा जी, और मैं यहीं आजमगढ़ जनपद का ही निवासी हूं और पेशे से एक संगीतकार हूं। और आप सबके आशीर्वाद से आज एक अच्छे मुकाम पे हूं और आप सबके प्यार आशीर्वाद से जो भी गाने हैं लगभग इस इंडस्ट्री में, चाहे वो दिनेश जी के हों या पवन जी के हों या रितेश पांडे के या समर सिंह के या कल्लू जी के या अक्षरा जी के, मतलब जो भी सिंगर्स हैं, उन सारे लोगों के काम अपने नटराज स्टूडियो से हम ही करते हैं जी। आज फरिया में आपने एक न्यू स्टूडियो का उद्घाटन किया है जी, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को आप? ये फरिया के जितने भी क्षेत्र के लोग उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। आइए आइए आइए। इस इतने मतलब ऐसे क्षेत्र में एक स्टूडियो, जो कि स्टूडियो मतलब एक मुंबई समझा जाता था कि मुंबई जाओ तो आपके गानों की रिकॉर्डिंग हो सकती है, आप गा बजा सकते हो अच्छे से प्रोफेशनली तरीके से। सो वो नीरज विश्वकर्मा के माध्यम से आज आपके फरिया में है, तो मैं तो इसे एक अवसर कहूंगा यहाँ के क्षेत्रीय कलाकारों के लिए कि उनके लिए बहुत ही सुनहरा और बहुत ही अच्छा अवसर है कि वो यहीं पे अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। क्या यहाँ से मतलब जैसे छोटे छोटे कलाकार जगह जगह चट्टी चौराहे पे रहते हैं, उनसे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कलाकारों से मैं यही कहना चाहूंगा कि वो अपनी चीजों को अच्छे तरीके से पेश करें, क्योंकि कोई भी चीज हो अगर वो अच्छे तरीके से प्रस्तुत न हो तो उसका मजा बिगड़ जाता है। तो वो पहले अपने आप को निखारें, अपने संगीत को निखारें, फिर वो स्टूडियो आए और स्टूडियो में जब वो अपनी कला को निखारेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को पसंद आएगा और लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। आप काफी समय से संगीत में हैं, तो कोई एक अपने दर्शकों के लिए कोई एक त्रुटि छोटी सी गीत अगर उनकी गा देते तो बहुत बेटर रहता। एक्चुअली काफी गाने हैं, मैं एक्चुअली हिंदी भी गाता हूँ, मेरे काफी गाने आते हैं और लोगों को काफी पसंद भी करते हैं लोग, तो मैं सुना दूंगा। वैसे तो सारे स्टार्स के साथ गाने हैं, पर मैं एक अपना गाना सुना देता हूं आप लोग को। अभी वो आने वाला है, वो मेरा गाना ट्रेलर वाला जिसका लॉन्च हुआ। हाँ, ट्रेलर वाला जो लॉन्च हुआ है, वो गाना है। नहीं नहीं, ये अभी जो नया अभी ट्रेलर लगाया है हमने, उसको कह रहे हैं, उसको लॉन्च बता रहे हैं। तेरी सादगी आवारगी इन बहती हवाओं में है, कुछ कहना भी मैं चाहूँ तो क्यों शर्म निगाहों में है। तू ही बता कैसी ये दूरी है तेरे बिना, जिंदगी अधूरी है। हाँ तू ही बता कैसी ये दूरी है तेरे बिना, जिंदगी अधूरी है। पूरा गाना नटराज एंटरटेनमेंट पे आ रहा है बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। थोड़ा पीछे तो आगे जी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम शिवम यादव है, मैं प्रोफेशनली वीडियो डायरेक्टर हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में जी। जी, और क्या जिसे आप फरिया स्टूडियो में आए हैं, क्या ऐसा आपको लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है आपको? बहुत स्टूडियो को देख के बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही अच्छा स्टूडियो बना हुआ है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे लोकल सिंगर हैं, जो जितने भी सिंगर हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा स्टूडियो है और यहाँ पे आके वो अपना रिकॉर्डिंग कराएंगे, अपना जो भी यहाँ से बहुत ही अच्छी म्यूजिक उनको जाएगी। जो हमारे भाई नीरज विश्वकर्मा जी यहाँ पे हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं, साथ में बैठे हैं, तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। किस विश्वास से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी रिकॉर्डिंग होगी? कितने इस विश्वास से मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि नीरज जी का एक गाना है जो बहुत ही अच्छा बजा है पब्लिक के बीच में, बहुत ही अच्छा 12 मिलियन क्रॉस गया है जी। तो उसके वजह से, खासकर उसके वजह से मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि नीरज जी से इतने साल से मैं, आज कम से कम 3-4 साल से मेरी मुलाकात है, तो आज तक जितने भी सिंगरों का इन्होंने काम किया है सब इनके हाथ से खुश होके गए हैं। कोई ऐसा हो कि जो इनको बोल दे कि आपकी म्यूजिक नहीं अच्छी है, सब लोग यही बोलते हैं आपका काम अच्छा है, आप अच्छे इंसान हो, इनका नेचर व्यवहार बहुत अच्छा है लोगों के बीच में। जैसे जितना भी सिंगर आए आपके सारे लोग प्रशंसा कर रहे हैं, क्या उद्देश्य, जैसे यहाँ के क्या लोकल जो चैनल गायक कलाकार हैं उन लोग कैसे आप उनको
अपनी तरफ मोटिवेट करेंगे, किस तरह उनको आकर्षित करके अपने स्टूडियो तक लाएंगे? मेन चीज क्या होता है कि अपने वर्क से ही मोटिवेट होता है, वर्क अच्छा मिलेगा सिंगर कहीं भी स्टूडियो रहे वो आएंगे। ठीक है,